राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे का दिन है, आज करेंगे बैक और बाइसेप्स फटाफट करेंगे क्योंकि भाई आज चीट डे है, फटाफट करके निकलते हैं। वर्कआउट फटाफट घर चलते हैं और निकलते हैं खाने के लिए। डेस्टिनेशन पे पहुंच गया और मैं सबसे लेट हूँ, मेरी गट फीलिंग कह रही है ऐसा, क्योंकि वर्कआउट कर रहा था ना, लेट हो गया। आज मैं आया हूँ 0 degrees पे, काफी नाम सुना है इसका। मेरे को लगा था सबसे ज्यादा लेट मैं आऊंगा, लेकिन सबसे लेट गोपाल आया। गाइस, बीइंग अ यूट्यूबर सबसे पहले मैं पहुंचा हूं। और मुंह वाले मुंह सबसे आखिर में आए हैं गोपाल जी, जिनने व्हाट्सएप पे सबसे पहले मैसेज डाला था कि भाई 4 बजे पहुंच ही जाना। फट चल रहा है भाई, कोई पेन वाउचर वर्थ ₹1,00,000। तो सीन कुछ ऐसा है कि कैफे में चल रहा था बॉलीवुड म्यूजिक, जिसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, सो दैट्स व्हाई वॉइस ओवर ऐड कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमने मंगवाई थी स्पेगेटी, अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो नूडल्स मंगवाए थे, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे, लेकिन टेस्ट में इतने कुछ खास थे नहीं, तो एवरेज सा ही टेस्ट था। उसके बाद में भाई शेक्स मंगवाए थे, एंड बीइंग अ यूट्यूबर भाई मैंने रिस्क लिया और मंगवाया पॉपकॉर्न शेक, अगेन देखने में बहुत अच्छा था। इसके ऊपर लिटरली जो डेकोरेशन आई थी ना, वो तक चाट गए भाई हम बेशर्मों की तरह, बिल्कुल शर्म नहीं चाटने में भाई, पैसे दिए थे उस चीज के। बाकी गोपाल ने मंगवाया था ग्रीन एप्पल सोडा, जिसकी स्ट्रॉ के ऊपर कुछ तो निकला था रिंग जैसा सा, जो कि बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था। और जीतू ने मंगवाया था वाटरमेलन सोडा, विच इज रियली ग्रेट, आप ट्राई कर सकते हो। इसने एक शेक भी मंगवाया था ब्लूबेरी शेक, जो कि इवेंचुअली मैंने ही खत्म किया क्योंकि इसकी पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। बाकी प्रदीप ने बटर स्कॉच शेक मंगवाया था, जो कि थोड़ा सा मीठा ज्यादा था। अभी आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पे, जो कि थे इनके डंपलिंग्स, यानी कि अपनी भाषा में मोमोज, जो कि काफी गर्म थे, काफी ज्यादा टेस्टी थे, उनको खाने में मजा आया। बाकी इनका पिज्जा अच्छा था क्योंकि इनका बेस खुद बनाते हैं, ये चीजी था काफी ज्यादा, तो उसको खाने में बहुत मजा आया। और आप भी आ सकते हो, 2500 कॉस्टिंग पड़ी हमें इस पूरी चीज की। बाकी यहाँ पे करते हैं वॉइस ओवर को समाप्त, आई होप आपको वॉइस ओवर पसंद आया होगा। तो गाइस फाइनली खा के आ गए हैं, कैसा लगा देखो खाना? खास नहीं था सच बताऊं तो इसका पॉपकॉर्न वाला, वो क्या था, वो पॉपकॉर्न वाला अच्छा था गाइस। और कभी मत लेना, प्लेन मोमोज अच्छे थे ना, डंपलिंग्स जो थे वो काफी अच्छे थे। देखो मजाक से हट के, एम्बियंस वॉज गुड, और खाने के अंदर स्पेसिफिकली मेरे को एक ही चीज पसंद आई, वो थी डंपलिंग्स, बहुत अच्छे हैं इनके। बाकी पिज्जा भी इतना खास नहीं था, और शेक्स भी ठीक ठाक थे, एवरेज थे, प्राइस के हिसाब से एवरेज थे। तो गाइस जीटीएम पहुंच गए हैं, अब प्लान है बोलिंग करने का, स्टारबक्स से लेंगे। जीतू स्टारबक्स चल, क्या दिक्कत है बेरोजगार आदमी। तो गाइस बॉयज को मोजी खिलाने के लिए लेके आया हूँ मैं एनिमेटर। गाइस कभी घूमे नहीं होता ना, तो इसे मोजी कहता है। अभी डिसाइड किया कि बॉलिंग करने वाले हैं, आवाज आई डोंट थिंक सो आपको आ रही होगी। ये को ना सीखते हुए फर्स्ट टाइम बोली, इस लाइन से आगे तुम जा सकते हो। एक बार मैं पूरा स्कोर कर चुका हूँ तो मजा आ रहा है। जीतू जी जाते हुए गाइस, मस्त आइए, मस्त आइए। बंदा कह रहा है बिल्कुल पास से, बना पास से, कुछ गिराया नहीं है भाई, कुछ नहीं गिराया। मैं 100 स्कोर करूंगा, सिर्फ वही वाली वीडियो देखिए, बाकी सब के उल्टे चल रहे हैं। बस थोड़ा सा गया है वो, बाकी मत रहे। एज पर द स्कोर बोर्ड मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, उसके बाद में नीचे से, उसके बाद में ये चल रहा है, मेरे को पता है स्कोर नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है, और इसने खेलने से हार मान ली, आउट हो गया। आई एम आउट। मेरी इच्छा कर रही है इनको लेके चला जाऊँ, मैं साथ में भाग जाऊंगा इसे लेके। दोबारा से आ गए साई सोया चाप वाले के, इसे अभी तक किसी ने भी नहीं खाया, तो मैं ही चूज करूंगा कौन सा लेना है। गाइस एक ऑर्डर किया है मलाई चाप, एक लिया है मसाला चाप, और ली है 2 रुमाली रोटी। अच्छी चीजें इनको मैं ही खिलाता हूँ सिर्फ, गाइस बीइंग अ यूट्यूबर दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सॉरी मैं जी, खुद अपने मुंह से करना चाह रही है। तो
सोया चाप खा के आ गए गाइस, अब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। रही गाइस आइसक्रीम की शॉप, जीटी है, जीटी के जस्ट कोने पे ही आइसक्रीम की शॉप। अमेरिकन नट ली गई है गाइस, जीतू ने अप्रूव कर दिया है, मैंने अप्रूव कर दिया है। ओके गाइस, खाना वाना इनको खिला दिया है और पैसे वैसे मैंने दिए हैं। बाकी गाइस को बहुत अच्छा लगा है खाना और ये वीडियो मेरे को भेज देना बस। और चलते गाइस घर पे मिलेंगे आपसे। घर जा रहा था, मम्मी का और सिस्टर का कॉल आया कि कुछ मेरे लिए भी लेके आना खाने के लिए, तो वही लेने आया हूँ स्वीट्स के। ये मिल्क रसगुल्ला जो भी है इसमें मतलब चाशनी होती है पहले से? अच्छा, मतलब दूध से ही है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये बंगाली है। मिल्क वाले रसगुल्ले मैंने पहली बार देखे हैं, तो ये ले लिए। इसके अलावा ये तीनों जो है थोड़ा थोड़ा करवा लिया। अभी मैं आया था शगुन स्वीट्स के और ये सब कुछ ले लिया है। अब चलते हैं घर पे फटाफट से क्योंकि लेट हो रहा है। ये है शगुन स्वीट्स, सोडाला वाली जो रोड है उस पे पड़ता है। क्यूकली गो होम। पाव भाजी कैसे थी? 70 की। 3 प्लेट पैक कर दो। पाव भाजी लेने के लिए रुका हुआ अभी, फटाफट घर चलते हैं। देखिए गाइस गंदी एक्टिंग। ये रहे हमारे दूध वाले रसगुल्ले। फसकाना में लत लग जाएगी। ये अच्छा है ना। तो हमारा चीट डे जो है वो बन चुका है और अभी मैं आऊँ टहलने के लिए ताकि थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न कर सके अपन। लगभग चलूंगा 1 घंटे के लिए, सो दैट लगभग 200-300 कैलोरीज बर्न हो जाए। वील कम्प्लीट अ टारगेट, उसके बाद मस्त सो जाएंगे। भाई अपने 2500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई, अलग लेवल की खुशी हो रही है सही में। इतना बड़ा खड्डा कैसे खोद दिया, कोई एलियन आया था क्या? आई गॉट इट गाइस, मे बी हो सकता है खाली आया हो यहाँ पे। भाई सामने की तरफ में कुत्ता है, चले या लौट जाए? भाई मजाक से हट के पीछे कुत्ते ही कुत्ते आ रहे हैं। फट रही है भाई, कुछ नहीं होगा। राधे राधे। और भाई समझ में नहीं आ रहा भाई, भागना चाहिए चलना चाहिए। फाइनली घर पे आ गया हूँ और एक बड़ा ही कॉमन कॉम्प्लीमेंट जो मुझे आपकी तरफ से मिलता है वो ये कि यार आपकी जो वीडियोस है काफी हैप्पी रहती है, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है वीडियो से। और आपकी वीडियो में मतलब ऐसा लगता है कि सुनने की इच्छा करती है ना, काफी रिलेटेबल लगता है कॉन्टेंट। तो मेरे को नहीं पता यार रिलेटेबल तो क्यों लगता है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैं खुश किस तरीके से रहता हूँ वो आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव फैक्टर्स पे फोकस करता हूँ। अभी आप बोलोगे यार सबकी लाइफ में पॉजिटिव ही थोड़ा होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, मेरी लाइफ में भी नेगेटिव होते हैं, लेकिन नेगेटिव में भी आपको पॉजिटिव निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार एग्जांपल दो, बिल्कुल लो एग्जांपल। तो एग्जांपल में मान लो कि आप एक दिन खाना खा रहे हो, उसमें मिर्च मसाला थोड़ा सा कम है। अभी इस केस में मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, अरे यार मिर्च मसाला बिल्कुल कम था, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया गया, भाया ही नहीं मुझे तो खाना बिल्कुल भी। लेकिन आप चाहते तो पॉजिटिव फैक्टर भी सोच सकते थे कि एटलीस्ट मुझे आज खाना नसीब हुआ है, काफी लोग ऐसे भी होंगे खाना खाने तक का मौका नहीं मिला आज। दैट्स द वे यू कैन थिंक पॉजिटिव। तो इस तरीके से छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें देखते रहोगे तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी एंड यू विल ऑलवेज स्टे हैप्पी लाइक मी। और इसी तरीके से आपकी स्किन जो है ग्लो करेगी अगर आप हंसते रहेंगे तो। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। बाकी आपको पता ही है लाइफ बढ़िया चल रही है। Pa 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 p